अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद लच्छा चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने रमज़ान में ट्राई करी थी। आप लोग भी लास्ट में ट्राई करिएगा। शुरू करते हैं रेसिपी को, आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड किया है। तो सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, क्योंकि शान के मसाले में ये जो तंदूरी मसाला ऐड किया है इसमें सॉल्ट पहले से भी होता है, तो कहीं आपका टेस्ट नहीं हो जाए। बोनलेस चिकन लिया था और स्ट्रिप्स में मैंने कट कर लिया था। अब मैं इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको 30 मिनट्स के लिए मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। और चिली सॉस मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। फिर समोसे की पट्टियाँ लेकर इसको कट कर लिया था और जब ये सारी कट हो जाएंगी इस तरीके से तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। आप लोग अपने हिसाब से ऐड करिएगा जितना आप लोग बना रहे हों, और फिर इस तरीके से हम इसको पाइंट कर लेंगे। और ये बिल्कुल इजीली हो गई थी। ऑयल गरम हो चुका था, अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई हो चुके हैं, आप लोग भी लास्ट में ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।